हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और रही बात पतंगबाजी की, तो जैसा हम सभी जानते हैं कि लखनऊ 300 साल से जो है ये पतंगबाजी का शौक जो है चला आ रहा है, ये नवाबों के दौर से शौक चला आ रहा है। और जैसे जैसे टाइम बीता गया, ये शौक जो है ज़्यादा से ज़्यादा परवान चढ़ता गया। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या नौजवान, दीपावली के दूसरे दिन झंगट के रूप में मनाया जाता है। और सभी जो शौक जो करते हैं पतंग का, वो बिल्कुल इस दिन का जो है बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि दीपावली के अगले दिन झंगट को पतंगबाजी करनी है। एक दो महीने पहले से ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। चाहे आप बताओ रील के मांझे की बात करें, तो बरेली के जो मांझा है वो बहुत ही मशहूर है पेश काटने के लिए। सभी अच्छे पतंगबाज चाहते हैं कि उनको जो है बरेली का अच्छे से अच्छा मांझा मिल जाए। और जो लखनऊ की पतंग है वो बहुत ही फेमस है, चाहे वो बहुत से कारीगर हैं, उसमें कई तरह की पतंगें होती हैं। एक मंजोली होती है, अद्धी होती है, पौने होती हैं। तो जैसे कारीगर जो शौकीन होते हैं, वो अपनी मनपसंद पतंग का जो है एक महीने पहले से ऑर्डर दे के पतंगें तैयार करवाते हैं। और बच्चों में खास तौर से इस दिन का बड़ा क्रेज़ रहता है। सुबह उठ के ही बच्चे 5-6 बजे से तैयारी में लग जाते हैं कि आज पतंगबाजी छत पे करनी है। वो काटा, वो खींचा का जो है शोर जो है चारों तरफ लखनऊ की हर छत हर गली में जो है सुनाई पड़ता है। और बहुत ही क्रेज़ कुछ बूढ़े बुजुर्ग हमारे मोहल्ले में पतंगबाजी के शौकीन, जिनको देखते हुए पतंगबाजी का शौक हमें भी बेनती यहाँ लग गया। और शौक करते करते टूर्नामेंट लड़ाया और लखनऊ महोत्सव के विनर हो गए, दुआओं के साथ बड़ों की। और उस्ताद हमारे गोपी भाई, अच्छे भाई हमारे कैप्टन सैफुल भाई, हमारे टीम कोहिनूर के बहुत सहयोग से, क्या कहते हैं, टूर्नामेंट लड़ गया बेहतर और अच्छा निकल गया। बाकी पतंगबाजी अपने मोहल्ले से बड़े बुजुर्गों से सीखी है। बड़े वाले भाई ने थोड़ी बहुत शौक करते थे, उनके साथ थोड़ी पतंगबाजी सीखी, उसके बाद बड़े बुजुर्गों को देखते हुए पतंगबाजी सीख के, क्या कहते हैं, बस शौक भर की पतंग उड़ाता हूँ अब तो। ऐसा हो गया, बस जमघट का इंतजार करता हूँ कि एक दिन मन लगा के दोस्तों के साथ, यारों के साथ, सबके साथ पतंगबाजी करनी है, एंजॉय करना बस। बाकी पहले ऐसा शौक नहीं रह गया, शौक लिमिट में कर दिया हर चीज़ का पतंगबाजी। बाकी लखनऊ में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, बेनतिहा क्रेज़ है। मतलब कि जैसे रुवियान भाई हमारे बोल के गए कि महीनों से पहले, मैं तो कहता हूँ कि 6-6 महीने पहले से लोग तैयारी करते हैं। और बेहतर से बेहतर शौक आप बाकी देख ही रहे हैं, माशाल्लाह ऊपर वाले मैदान में, आसमान में कितनी पतंगें कैसे क्या उड़ रही हैं। तो हमारे रकाबगंज की तरफ, पुराने लखनऊ की तरफ पतंगबाजी का बहुत बहुत बढ़िया क्रेज़ है, बहुत अच्छा क्रेज़ है। ओके, थैंक यू। जैसा कि लखनऊ महोत्सव के विजेता राहुल अवस्थी ने बताया कि शौकिया लखनऊ